हेलो गाइस, माय नेम इज़ महेंद्र एंड वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीएचडी का 2020 का एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जो कि कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का एक ओल्ड पेपर है मेरे पास। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया है वो है, इन विच ईयर वॉज एस्ट्रोविल एंड स्टेला पब्लिश्ड? आंसर है 1591 सी। एस्ट्रोविल एंड स्टेला फिलिप सिडनी ने लिखी थी, जिसमें एस्ट्रोविल का मतलब है स्टार लवर और स्टेला एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टार। इसमें जो ये एस्ट्रोफिल है, ये दो वर्ड्स से बना है, एस्टर और फिल। एस्टर का मतलब होता है स्टार और फिल का मतलब होता है लवर। एस्ट्रोफिल यहाँ फिलिप सिडनी के लिए यूज हुआ है और स्टेला यूज हुआ है यहाँ पिनलेपी डेविरिक्स के लिए, जिन्होंने बाद में लॉर्ड रिच से शादी कर ली थी और उनका नाम पड़ गया था पिनलेपी रिच। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फेरी क्वीन अप्रेंटली फॉलोज द स्टाइल ऑफ? तो फेरी क्वीन ने किसकी स्टाइल फॉलो की है? आंसर है एरियोस्टो की ओरलैंडो फ्यूरसो। फेरी क्वीन थ्री पार्ट्स में पब्लिश हुई थी। पहला पार्ट जो था वो पब्लिश हुआ था 1590 में, सेकंड पार्ट पब्लिश हुआ था 1596, थर्ड पार्ट 1609। जो थर्ड पार्ट था 1609, ये एडमिन स्पेंसर के एक दोस्त थे कैम्ब्रिज के, उनका नाम था गैब्रियल हार्वे। तो गैब्रियल हार्वे ने इसमें टू कैंटोज और पब्लिश करा है 1609 में, जिसका नाम था टू कैंटोज और म्यूटेबिलिटी। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच मॉन्यूमेंट सेट अप बाय द लेडी एन क्लिफोर्ड डिस्क्राइब्स हिम एज द प्रिंस ऑफ पोइट्स इन हिज टाइम? आंसर इसका एडमंड स्पेंसर, ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द राइजन ऑफ इंग्लिश ड्रामा इज एट्रिब्यूटेड टू? आंसर इज शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हेन वाज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? आंसर इज 1598। यहाँ से एक बहुत जरूरी क्वेश्चन बनता है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में करेक्टर है नोवेल, उस रोल को किसने प्ले किया था? जिसका आंसर है विलियम शेक्सपियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द इंग्लिश ग्रामर? आंसर इज ऑप्शन ए, बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले डिड शेक्सपियर राइट इन कोलेबोरेशन विद जॉन फ्लेचर? ऑप्शन बी हेनरी एट्थ। जो ऑप्शन ए है हेनरी सिक्स, इन्होंने थॉमस नैश के साथ इसमें कोलेबोरेशन किया था। ऑप्शन सी जो है रिचर्ड थर्ड, ये विलियम शेक्सपियर ने सोलो लिखा है। ऑप्शन डी भी सोलो लिखा हुआ है। तो ऑप्शन, हम क्वेश्चन नंबर एट की तरफ बढ़ते हैं। हु एक्नॉलेज्ड रॉबर्ट ग्रीन एज अ ड्रंकर्ड एंड अ डेटर बट आल्सो क्लेम दैट ही इनहेरिटेड मोर वर्च्यू देन वाइसेस? सो आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका, यूनिवर्सिटी विट्स के थॉमस नैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइंड द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन? आंसर इज बी, बेन जॉनसन। सो क्वेश्चन नंबर टेन, हु एडिटेड जॉर्ज पील्स थ्री वॉल्यूम लाइफ एंड वर्क्स? आंसर है सी, सी टी प्राउटी। दरअसल सी टी प्राउटी, सिर्फ सी टी प्राउटी ने ही एडिट नहीं किया था, दो और थे, उनका नाम है एलेक्जेंडर डाइस और सेकंड थे अर्थर हेनरी ब्यूलिन। तो ये दो भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट इलेवेंथ क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द पॉलिटिकल सितार गेम एट चेस? आंसर इज थॉमस मिडलटन। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, विच प्ले ऑफ जॉन मार्स्टन वॉज एक्सपेंडेड बाई जॉन वेफ्टर फॉर द किंग्स मैन इन 1604? आंसर इज मेल कॉन्टेंट, सी। इसका आंसर है सी। मेल कॉन्टेंट क्या होता है? ऐसा इंसान जो किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा रिबेल करता है, तो उसे बोलते हैं मेल कॉन्टेंट। सो 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वट इज द सेटिंग ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्ले द विंस्टर्स टेल बाई विलियम शेक्सपियर? आंसर इज बी, सिसली, SICILY. Next question, who has been praised in the following line? The first writer who gave cadence to English prose? Option C is the answer, Sir William Temple. Cadence ka matlab hota hai surtal, CADENCE. Next question, Sir Gawain and the Green Knight contains answer D, 2530 lines. Isme 101 stanza bhi hain, ye bhi necessary question hai. Next, 16. इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड जॉन गोवर राइट हिज वर्क्स? जॉन गोवर ने कितनी लैंग्वेजेस में अपने वर्क लिखे हैं? तो थ्री लैंग्वेजेस में, लेटिन, फ्रेंच एंड इंग्लिश। 17. विच स्टोरी इन चॉसर्स द कैंटरबरी टेल्स टेल्स द रीडर्स अबाउट द मर्डर ऑफ द चाइल्ड बाय ज्यूस? सो ऑप्शन डी द प्रायरिस टेल्स, उनका नाम होता है, द प्रायरिस का नाम है मैडम एग्लेंटाइन। नेक्स्ट 18. हु इज द ऑथर ऑफ द पायरिस एंड प्लोमैन? ऑप्शन सी विलियम लैंगलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो व्हाट हैड बीन द फॉर्मल बेसिस ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पोएट्री? ऑप्शन डी एल्टरेशन।
20 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेजर पोएम इन द यूरोपियन वर्नैक्युलर? ऑप्शन सी ऑफकोर्स बियोवुल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन 21. सो 21 इज विच ऑथर वॉज चार्ज्ड विद सेवरल क्राइम्स? ऑप्शन बी सर थॉमस मैलोरी. क्वेश्चन नंबर 22. What is the other name given to the Wakefield cycle or plays? Option D, Townley plays. इसमें जो Wakefield cycle है ये दरअसल Wakefield एक जगह का नाम है इंग्लैंड में. ओके क्वेश्चन नंबर 23. Who is Crispinus in the Ben Jonson's satirical comedy Poetaster? So answer B इसका है John Marston. 24. Who is known as the prose Shakespeare? So prose Shakespeare किसे कहा जाता है? Thomas Heywood. ओके क्वेश्चन नंबर 25. हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द कोर सर्कल ऑफ विट्स? कोर सर्कल ऑफ विट्स के मेंबर कौन है? एथरीज एंड रोचेस्टर. क्वेश्चन नंबर 26. हु रोट शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोर्टैलिटी एंड प्रोफिनेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज? ऑप्शन ए जर्मी कॉलियर. थोड़ा क्लियर नहीं है यहाँ पर. ऑप्शन 20. क्वेश्चन नंबर 27. इन विच ईयर वॉज जॉन एवलिन डायरी फर्स्ट पब्लिश्ड? ऑप्शन सी 1818. तो क्वेश्चन नंबर 28. विच वर्क ऑफ मिल्टन वॉज पब्लिश्ड एनोनिमसली? एनोनिमसली क्या होता है कि गुमनाम रूप से, जिसमें राइटर का नेम मेंशन ना हो. तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कॉमियस. 29. इन विच ईयर वॉज स्पेंसर्स शेफर्ड्स कैलेंडर फर्स्ट पब्लिश्ड? आंसर इज 1579. सो क्वेश्चन नंबर 30. ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज एन एक्नॉलेज्ड इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा? क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 31 है, वेयर वॉज जोनाथन स्विफ्ट बॉर्न? जोनाथन स्विफ्ट वॉज बॉर्न इन डबलिन. क्वेश्चन नंबर 32. हु रोट द प्ले एम्बोइना? सो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. एम्बोइना प्ले लिखा है जॉन ड्राइडन ने. ऑप्शन सी इसका सही आंसर है. सो क्वेश्चन नंबर 33. विच फर्स्ट डेली न्यूज पेपर अपीयर इन 1702? आंसर इज डेली करेंट. ऑप्शन डी. So next question, who wrote Verses on the Death of Dr. Swift? Now that's a very interesting question. Verses on the Death of Dr. Swift लिखी है जोनाथन स्विफ्ट ने. दरअसल 1731 में जोनाथन स्विफ्ट ने अपने दोस्त जॉन गे उनको एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कुछ महीनों से एक ऐसा लेटर लिख रहा हूँ जिसमें मैंने अपने दोस्तों और अपने एनिमीज़ को बताया है कि वे मेरे बारे में क्या कह सकते हैं मेरी डेथ के बाद. तो इसे बोला है वर्सेज ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट. क्वेश्चन नंबर 35. Where was Alexander Pope buried? Answer is Twickenham. 36 question. Who wrote account of the greatest English poets? Answer is Edison. So 37th. Who wrote Reflection on the French Revolution? Answer is Edmund Burke. 38. In which year was Edward Gibbon born? Answer is 1737. 39. Which poet has written the poems The Courtier's Saturday Night and Jean? तो ये दो पोएम्स किसने लिखी हैं? आंसर इज 39 का ए रॉबर्ट बर्न्स. 40 क्वेश्चन. विच पोएट हैज रिटन द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस? विलियम ब्लेक. 41. हुम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ मैरी? मैरी हचिनसन. ओके 42. विच पोएम बिगिंस विद द फॉलोइंग लाइन? अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फियर? अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज. Next question. Who wrote the novel The Castle of Otranto? Horace Walpole. Horace Walpole ने ये लिखी थी 1764 में. The Castle of Otranto पब्लिश हुई. गॉथिक नोवेल है. 44. Which poet has composed the poem Night Piece on Death? Thomas Parnell. 45. With which poet did Coleridge invent Pantisocracy scheme to set up a commune in America? So option C रॉबर्ट साउदी. पेंटिसोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पेंटिसोक्रेसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर ऑल रूल्स आर इक्वल. सो 46. हु हैज रिटन द एसे ऑफ माई सेल्फ? ऑफ माई सेल्फ एसे किसने लिखा है? आंसर इसका डी अब्राहम कावले. नेक्स्ट वन 47. हु रोट अ टू वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ जनरल एसे इंटाइटल टेबल टॉक? सो आंसर इज विलियम हैजलेट. 48. हु रोट द नदन फार्मर? Alfred Lord Tennyson. Next, 49. Which poet's first volume of poetry, Poems Descriptive of Rural Life, was published in 1820? Answer is John Clare, C. 50. Who wrote the drama The Saint's Tragedy, 1848 mein published karaya gaya? J.
चार्ल्स किंग्सले। और 51 क्वेश्चन है, वेयर वॉज विलियम मैकपीस ठैकरे बॉर्न? आंसर इज कोलकाता, कैलकाता। दोस्तों इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा 52 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।